मुझे लगता है कि बचपन की कई कहानियां बड़े होने के बाद भी सुनना ज़रूरी होता है, तो ऐसी ही कुछ कहानियां मैंने आपके लिए इकट्ठी करी हैं, जिसमें से एक और कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बारी की बात है, एक शिकारी जंगल में जा रहा होता है, वो बहुत थक गया होता है, उसकी बंदूक भी कहीं गिर गई होती है और उसके पीछे एक शेर पड़ जाता है, तो वो भागता है, शेर उसके पीछे भागता है। इस आदमी को भागते भागते एक पेड़ दिखता है, तो ये उस पर चढ़ने लगता है। जब ये आधा चढ़ा होता है तो उसको ऊपर एक भालू दिखता है, तो ये भालू कहता है, देख भाई मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, मैं मरना नहीं चाहता, तो प्लीज़ जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो तू मुझे मारियो मत। तो भालू कहता है, कोई बात नहीं, तुम ऊपर आ जाओ। ये ऊपर चला जाता है, शेर आके नीचे डेरा डाल लेता है। शेर आके भालू को कहता है कि भाई इस इंसान को तू धक्का मार दे, हम दोनों जानवर हैं, ये हमसे अलग है, तू धक्का मार इसको। तो भालू कहता है कि भाई देखो, इसने ऊपर चढ़ने से पहले मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं इसका नुकसान नहीं करूँगा, तो मैं वो प्रॉमिस तो नहीं तोड़ूंगा, ये तो अधर्म हो जाएगा। तो शेर कहता है, भाई ये तू धर्म अधर्म की बात है ना, इंसानों के लिए छोड़ दे, हम जानवर हैं, तो उसको धक्का मार। भालू कहता है कि नहीं। शेर अपनी लगा रहता है और बोलता रहता है, भालू को उसकी बकवास सुन के ना नींद आना शुरू हो जाती है। तो भालू अब शिकारी को कहता है, ऐसा है कि मुझे आ रही है नींद और मैं ना नींद के मारे नीचे गिर जाऊँगा और शेर मुझे खा जाएगा, तो क्या मैं तेरी गोदी में सरक के सो जाऊँ? तो इंसान कहता है, हाँ ज़रूर। तो जब भालू उसकी गोदी में सरक के सो जाता है, तो अब शेर इंसान को बोलना शुरू होता है, कहता है, देख ये भालू है जंगली जानवर, जब इसकी नींद खुलेगी तो इसको तो भूख लगी होगी, तब ये धर्म धर्म नहीं सोचेगा, ये तुझे खा जाएगा। तो इंसान को लगता है डर कि हाँ भाई शेर कह तो रहा है सही, तो कहता है मैं क्या करूँ? शेर कहता है, तू इतना भालू को धक्का मार दे नीचे, आगे मैं देख लूँगा। तो इंसान जो है भालू का जो अपने ऊपर एहसान होता है उसको भुला के उसको धक्का मार देता है। तो धक्का मारता है तो भालू नीचे की एक टहनी पे जाके लटक जाता है, उसकी नींद खुलती है, वो टहनी पकड़ लेता है और वहाँ पे बैठ जाता है। तो शेर फट से शुरू हो जाता है, देखा मैंने तो कहा था ना इंसान खराब होते हैं, इसने देख तेरे को धक्का मारा, अब तू जा और इस इंसान को नीचे फेंक। तो भालू कहता है कि भाई देखो, मैंने अपने धर्म का पालन किया और आज इसीलिए भगवान ने मेरी जान बचा ली, ये इंसान अधर्मी है और समय के साथ इसको अपने कर्मों की सजा मिलेगी।